हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.1, क्लास 10th, क्वेश्चन नंबर 15 है। चांदनी वेंट टू परचेज सम शर्ट्स एंड पैंट। द नंबर ऑफ शर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज फोर लेस देन फोर टाइम द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चांदनी बॉट। अब यहाँ पे मैं ये बताना है कि कितना पैंट्स और स्कर्ट चांदनी ने खरीदा। तो उसके लिए मैं दो उसका कंडीशन दिया गया है कि क्या क्या उसमें था। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पैंट्स और शर्ट्स को हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ पैंट्स, इसको हम क्या मान लेते हैं, हम इसको यक्स मान लेते हैं कि कितना पैंट्स था, यक्स पैंट था। और उसके बाद जो नंबर ऑफ स्कर्ट था, जो नंबर ऑफ शर्ट था, उसको हम मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको यक्स और वाई मान लिया। अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि द नंबर ऑफ शर्ट यानी वाई इज यानी इक्वल टू टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। टू लेस देन यानी ट्वाइस क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, और माइनस टू कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या लिखा गया, नंबर ऑफ शर्ट्स। अब नंबर ऑफ शर्ट्स का कितना है, वाई है, और यहाँ पे इज लगा दिया यानी वाई इक्वल टू हो गया। उसके बाद टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ, ट्वाइस द नंबर क्या होता है, टू एक्स होता है। और यहाँ पे हमने यक्स क्यों लगा, क्योंकि अब पैंट्स की बात हो रही है, तो पैंट्स क्या है, यक्स है। ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स यानी टू यक्स हो गया। तो यानी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू यक्स। और उसके बाद देखिए टू लेस देन, टू लेस यानी माइनस टू, और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। इसको हम सही से ले देते हैं और अरेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई, और यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करें, जो यक्स वाली टर्म है उसको एक साइड कर लेते हैं। अगर हम यक्स वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टू यक्स हो जाएगा, और ये प्लस वाई इस साइड आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये माइनस टू इस साइड जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ये हमारा हो जाएगा। तब अब यहाँ पर क्या, यक्स वाई एक साइड है, एक साइड आ गया। अब इसके बाद हमारा सेकेंड कंडीशन क्या दिया गया है कि ये फर्स्ट था और ये सेकेंड। अब सेकेंड में बोला कि आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, अब नंबर ऑफ शर्ट्स, सॉरी यहाँ पे शर्ट्स आना चाहिए था, तो नंबर ऑफ शर्ट्स वाई है, यानी वाई इज यानी वाई इक्वल टू, यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। और नंबर ऑफ पैंट्स का यक्स है, यानी यहाँ पे यक्स रहेगा, और फोर टाइम्स यानी फोर यक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फोर यक्स, उसके बाद फोर लेस देन यानी माइनस फोर कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमने माइनस फोर कर दिया। अब फिर से हम इसको थोड़ा अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर एक्स माइनस फोर इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे फोर एक्स माइनस फोर इक्वल टू वाई, अब फिर से यहाँ पे हम वाई वाई टर्म को इस साइड कर लेते हैं, इससे हमारा इक्वेशन सॉल्व होने में ईजी रहेगा। अब यहाँ पे हमने फिर क्या किया, फोर एक्स हो गया, ये प्लस वाई है, इस साइड आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये माइनस फोर प्लस फोर हो जाएगा, यही हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाता है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जो सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें यक्स और वाई यानी पैंट्स और शर्ट की नंबर आ जाएगा कितना था। उसके बाद क्या लेते हैं हम, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, टू यक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, और हमारा सेकंड क्या था, फोर यक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस टू माइनस फोर क्या हो जाएगा, माइनस टू यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस था इसका माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था इसका प्लस हो गया, और ये प्लस तो माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। फिर से माइनस माइनस कैंसिल, और हमारे पास यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू यानी वन आ गया, टू बाई टू करेंगे तो वन आ जाएगा। हमारे पास यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन या फर्स्ट या सेकंड में अगर हम यक्स की वैल्यू को रखेंगे तो वहाँ से हमें वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, टू यक्स माइनस वाई इक्वल टू टू है। अब यहाँ पर टू और इंटू करेंगे वन से, क्योंकि यक्स की वैल्यू कितनी आई है, वन आई है, माइनस वाई इक्वल टू टू, टू वन ज़ा टू हो गया, माइनस वाई इक्वल टू टू। फिर यहाँ पे टू, ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस टू हो जाएगा, और ये माइनस वाई उस साइड जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। और फिर यानी हमारा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू माइनस टू करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ज़ीरो आ गई।
इसका मतलब जो हमारे पास पैंट्स था वो कितना था, यहाँ पे हम लिख देते हैं यक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यक्स इक्वल टू वन आया था। इसका मतलब जो पैंट्स का नंबर था वो कितना था, वन था। और शर्ट्स की, शर्ट्स क्या था, माया था वाई, माया था वाई इक्वल टू कितना है, जीरो आया है। इसका मतलब शर्ट्स जीरो थी और यही नंबर हो गया कितने पैंट्स और शर्ट ने चांदनी ने खरीदे थे। तो एक पैंट खरीदे थे और जीरो शर्ट्स खरीदे थे। ये आपका सोल्यूशन कम्प्लीट।